हम सबकी इच्छा होती है कि हम एकदम स्लिम हो जाएं और बहुत अट्रैक्टिव दिखे, बहुत खूबसूरत दिखे। अगर हम मोटे हैं तो बस पतले हो जाएं, फटाक से कुछ ऐसा मैजिक हो कि हम पतले हो जाएं। तो अगर ऐसी ख्वाहिश आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देखें। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दें, उसको क्लिक कर दें, और बाजू में एक बेल आइकॉन होगा उसको भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, और मैं इंस्टा पे भी हूँ और मैं सिमसिम स्टोर पे भी हूँ। तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जरूर जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। हम सबकी इच्छा होती है कि जो हमारी अनमैरिड में, जो शादी के पहले जो हमारा, एक लेडीज़ की तो यही इच्छा होती है मैक्सिमम, मुझे लगता है 80% लेडीज़ की यही इच्छा होती है कि जो मैं आज से 8 साल पहले जो मेरी बॉडी टाइट थी, यानी कि एकदम स्लिम ट्रिम थी, वैसे ही मैं फिर से हो जाऊँ, है ना। सबकी इच्छा होती है, अगर लड़की हो, आज के डेट में आपकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन इच्छा यही रहती है कि मैं एकदम से स्लिम दिखूँ। स्लिम दिखने से ये होता है कि हम कुछ भी पहनते हैं तो थोड़े अट्रैक्टिव देखते हैं, तो ये हम सबकी इच्छा होती है। तो अगर ये इच्छा आपकी भी है, अगर आप कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिए और फिर अच्छा छवि ने कुछ तो बताया, ठीक है कल करेंगे परसों करेंगे, मैं आप नहीं होंगे। जैसे मैं अपने फैमिली में ही मैं अपनी बेटी के साथ जो है सो कि कुछ डाइट प्लान लेकर के शुरू करती हूँ। 10 डेज तक, 15 डेज तक तो वो एकदम एक्टिव मोड में रहती है, मम्मा मैं ये कर लूँगी, मम्मा मैं वो कर लूँगी, और 10-15 डेज में उसको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, यानी कि वेट भी उसका कम हो जाता है। और फिर जहाँ उसे 3-4 kg उसका वेट कम होता है, उसके बाद फिर से वो करना बंद कर देती है। तो ऐसा नहीं है, जब तक आपको एक अपना आपका एक आइडियल वेट ना मिल जाए, यानी कि अगर आप 70 के हो और आपका आइडियल वेट अगर 55 है, तो जब तक आप 55 kg के ना हो जाओ, तब तक जो मैं बता रही हूँ वो आपको करना है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस 2-4 टिप दूंगी, अगर वो आप करते हो तो आप हो जाओगे। और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि सुबह 5 बजे से लेकर के आप सुबह मॉर्निंग में जगो और 5 बजे से दिन के 11 बजे तक बस भागते ही रहो या 1 घंटा भागो, ऐसा भी कुछ नहीं बोलने वाली। बहुत सिंपल इजी आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 मैं ये देती हूँ आपको कि जब भी पानी पिए ना, मीन्स जब भी आप पानी पीते हो तो ठंडा पानी ना पिए, है ना। जो मेरे ब्लॉगिंग चैनल में है, जो मुझे डेली मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि मेरा मॉर्निंग जो होता है गुनगुने पानी से, यानी कि वार्म वाटर में पीती हूँ। 1 ग्लास वार्म वाटर लेती हूँ, 1 स्पून हनी डालती हूँ, 1 पूरा नींबू, मीन्स 1 नींबू आप पूरा डालती हूँ, क्योंकि नींबू के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारी स्किन के लिए और हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मॉर्निंग में अगर आप एम्प्टी स्टमक गर्म पानी 1 ग्लास और 1 चम्मच हनी और 1 नींबू अगर निचोड़ करके पीते हो ना, आप कभी मोटे नहीं हो जाओ, कभी मोटे नहीं हो सकते आप, 100% ये गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ। फिर जब आप लंच करने वाले होते हो, यानी कि ये तो मॉर्निंग की बात हो गई, जैसे कि सुबह उठे और उठते ही ब्रश करने के बाद ये कर लिए, उसका जब मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट करते हो ना, तो ब्रेकफास्ट करने के 1/2 आवर पहले आप 1 ग्लास जो है कि गुनगुना पानी पी लें, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें और चले जाएं। मोस्टली यही कहते हैं कि नाश्ता करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, है ना, हम सब भी वही करते हैं। तो आप स्नैक्स जो भी आप मॉर्निंग में खाते हो, उसके 1/2 आवर पहले जो है सो आप गुनगुना पानी पी लें, 1 ग्लास नॉर्मल गुनगुना पानी, उसमें आपको हनी और लेमन ऐड नहीं करना है, सिर्फ वार्म वाटर पी लें। उसके बाद आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद आप ऑफिस चले जाएं। 1/2 आवर के बाद आप जो है सो कि गुनगुना पानी, 1 ग्लास गुनगुना पानी आप पी लें, आपका हाजमा उससे ठीक होता है, मीन्स आप जो भी खाते हो ना उसको इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, आपको हाजमे की परेशानी नहीं होती है। फर्स्ट तो ये होता है, सेकेंड ये होता है कि आपका वेट कभी बढ़ता नहीं है। सेकेंड टाइम आपको जब आप लंच करते हो, तो लंच करने के 1/2 आवर पहले, यानी कि जैसे 2 बजे अगर आप लंच करते हो, तो 1:30 बजे यानी कि 1:30 में आप 1 कीजिए 1 ग्लास, कोई भी जो भी ग्लास हो आपका, 1 ग्लास पानी ले ले, गुनगुना पानी, ठंडा पानी आपको नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है आपको, पी लेना है। ठीक 1/2 आवर के बाद आप लंच कर ले,
हाफ एन आवर के बाद जब आप लंच करते हो, लंच के बाद आपको कुछ नहीं, पानी वगैरह नहीं पीना है, सिर्फ आप कुल्ली वगैरह जो करते हो वो कर लो। फिर हाफ एन आवर के बाद एक ग्लास आप पानी पी लें। सेम आपको डिनर के टाइम में भी करना है। डिनर जब भी आपका करना हो उसके हाफ एन आवर पहले आप गर्म पानी ले लें, गर्म पानी पी लें और उसके बाद जो है सो आप डिनर करें, और डिनर करने के बाद जो है सो फिर एक ग्लास गर्म पानी पी लें। देखिए सिर्फ इतना भी अगर आप करते हो ना तो आप देखोगे कि आपका जो वेट है ना बहुत फास्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बस मेरे कहने पर इतना करो। मैं तो अपने बच्चों को बहुत कुछ कहती हूँ और बहुत कुछ वो नहीं करते हैं, लेकिन मैं उन सबको ये बात बताती हूँ जो मेरे जैसा अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। बहुत क्या मुझे मैसेज आता है कि मैम मुझे आपके जैसा फिट रहना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं करती, बस हल्का फुल्का यही सब करती हूँ। अगर आप ये सब करते हो तो वाकई आप भी बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे और आप कभी भी हेल्दी नहीं होगे। तो ये बात हो गई। अभी जो सेकेंड टिप, ये तो सेकेंड टिप ये हो गई मेरी। थर्ड टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो और भी इजी है। हो गया ये सब बातें। अब जो मैं डेली रूटीन में मैं शुरू की हूँ, अभी अपने बच्चों को भी शुरू कराई हूँ करना और वो मैं आपके साथ शुरू आपको आपके साथ शेयर करती हूँ, वो है डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर बनाना बहुत ईजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत उसके अंदर बहुत कुछ लगने वाला है और हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। डिटॉक्स वाटर मार्केट में रेडीमेड भी अवेलेबल होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल जो है डिटॉक्स वाटर बनाना बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। बस आप ऐसे करो, पतले हो जाओगे यार। कोई भी बॉटल, इस टाइप का बॉटल या फिर कुछ इस टाइप का डोंगा, अगर आपके फैमिली में चार जन हैं तो आप 4 लीटर के करीब में पानी डाल लें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपने टेस्ट के अनुसार जो भी फ्रूट आपको पसंद है आप ले सकते हो। मैं मोस्टली काकड़ी डालती हूँ, तो एक मैं काकड़ी ले रही हूँ, यानी कि 1 लीटर पानी है इसके अंदर मैं ले रही हूँ। ये एक काकड़ी ली हूँ लेकिन मैं हाफ काकड़ी डालूंगी। 1 इंच के करीब में अदरक, ये अदरक है जिंजर, ठीक है, तो अदरक लूंगी। उसके बाद मैं एक हाफ लेमन लूंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इन सब से अच्छे से छिलका निकाल चुकी हूँ अदरक का, अब मैं इसे चॉप कर लूंगी। आप चाहो तो ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हो हल्का, लेकिन मैं मोस्टली इसे चॉप कर लूंगी। तो ये हो गया। अब ये ले रही हूँ मैं हाफ ये काकड़ी, खीरा, कुकुम्बर, और इसे भी मैं अब ले रही हूँ लेमन, इसे भी मैं कट करूंगी। अब मैं ये लूंगी, इसके अंदर सबको ऐड करूंगी। क्या करने वाली हूं, लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालने वाली हूं, वो है अजवाइन। ओके, तो अजवाइन तकरीबन मैं 1 स्पून के करीब में लेने वाली हूं। ये 1 स्पून के करीब में अजवाइन हो गया। अब मैं इसके अंदर, अगर आपके पास ये बॉटल नहीं है तो आप कोई भी एक स्टील का डोंगा ले लें और उसमें आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं है तो कैसे बनाएंगे, इसकी परेशानी आपको नहीं है, आराम से आप किसी भी डोंगा में इसे बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी जो आप लेते हो आपको इसके अंदर बस इसे लगा लेना है। अब ये हो गया फिट। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूं। अब ये बन गया, मेरा डिटॉक्स वाटर बन गया, रेडी हो चुका है। अब मैं इसे क्या करूंगी, तकरीबन 1 आवर के लिए बस ऐसे ही छोड़ दूंगी। 1 आवर तक ये ऐसे ही रहेगा। इतना याद रखें, जब भी आप इसे बनाते हो तो तुरंत आपको शुरू नहीं कर देना है पीना, इसको आपको 1 आवर तक ऐसे ही छोड़ना है। 1 आवर के बाद आप जब इसको पीते हो ना
तो ये क्या होगा, सब कुछ इसके अंदर जो है वो होल दिया हुआ है, बहुत सारे होल है इसके अंदर, छेद छेद ऐसे दिए हुए हैं, तो ये सब कुछ लेमन का, उसके बाद जो खीरा है, अदरक है, और जो भी इसका सब कुछ जो है वो इस पानी में आ जाता है, और जब आप पीते हो तो आपके स्टमक में जाता है। और अजवाइन क्या करता है, हाजमे को ठीक रखता है, बहुत बेहतरीन है। के पहले नहीं, फिर आपका टेंशन होगा कि इसमें तो मैं सब कुछ डाल चुका, और जब ये पानी खत्म हो जाएगा तो क्या ये वेस्ट हो जाएगा, तो क्या मुझे फिर से डालना होगा? नहीं डालना होगा। इसी इंग्रेडिएंट में सेम जो आपने काकड़ी डाला है, अदरक, खीरा, अदरक और ये सब जो डाले, 3 बार तक आप पानी को इसके अंदर फिल कर सकते हो, 3 टाइम्स तक आप फिल कर सकते हो। और जब भी आप फिल करें, 1 आवर के लिए वैसे ही रहने दें, उसके बाद जो है आप उसको पिए। आपका वजन जो है 15 दिन के अंदर में आप देखोगे कि आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो गया। साथ में डाइट पे भी कंट्रोल करें, कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत कम कर दें, यानी कि राइस कम खाएं, आलू कम खाएं, तो फिर आपका वेट जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। पर्सन टू पर्सन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये गारंटी है कि जैसे मैं बताई हूँ वैसे अगर आपको, अगर आप करते हो तो आपका वजन जो है 100% कम होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और भी अच्छा लगा हो तो अगर अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।